नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वसई विरार, कोरोना मरीज की मौत का मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग, मनपा आयुक्त की बड़ी मुश्किल। वसई विरार मनपा अंतर्गत 12 अप्रैल को ऑक्सीजन की कमी के चलते एक साथ हुई कई कोरोना मरीजों की मौत का मामला मानवाधिकार आयोग में पहुंच चुका है। आपको बता दें, 12 अप्रैल से पिछले 3 दिनों में जारी घटनाक्रम अंतर्गत मनपा का जूट पकड़ा जाने के बाद कल भाजपा नेता किरीट सोमैया ने वसई विरार मनपा के जूट को बेनकाब करते हुए नालासोपारा भाजपा कार्यालय में रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले को मानवाधिकार आयोग में उठाए जाने की बात कही थी। अपनी उसी बात पर अमल करते हुए किरीट सोमैया ने आज मुंबई स्थित मानवाधिकार आयोग में एक याचिका दायर करते हुए वसई विरार समेत ठाणे व दूसरी महापालिका में पिछले दिनों हुई कोरोना मरीजों की मौत पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। मानवाधिकार कार्यालय से बाहर निकलते हुए किरीट सोमैया ने अपना एक वीडियो जारी करते हुए पूरी जानकारी साझा की। किरीट सोमैया के साथ भाजपा वसई विरार जिलाध्यक्ष राजन नाईक एवं उप जिलाध्यक्ष मनोज बारोट भी गए थे मानवाधिकार आयोग। आपको यह भी बता दें कि अब तक हर तरफ से पकड़ा जा चुका मनपा प्रशासन अब भी झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहा है। मनपा वैद्यकीय आरोग्य विभाग ने एक और सफेद झूठ बोलते हुए एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें कोरोना मरीजों के आंकड़े छिपाए जाने वाली बात को गलत ठहराते हुए अपनी सफाई देने की कोशिश की। जो प्रशासन द्वारा फैलाया गया सरासर झूठ ही कहा जाएगा, और इस झूठ को फैलाने में जिम्मेदार है मनपा के अब तक के सबसे भ्रष्ट आयुक्त, जो पिछले साल भर से खुद प्रशासक भी नियुक्त किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। ऑक्सीजन में त्रुटि पैदा होने के कारण नालासोपारा में 12 अप्रैल को 62 कोविड पेशेंट की मृत्यु हुई। ठाणा में ऐसे ही 27 पेशेंट को ट्रांसफर किया गया। औरंगाबाद में 31 मार्च को 4 मृत्यु हुई। नासिक में 28 मार्च को मृत्यु हुई। इस संदर्भ में हमने आज मानव अधिकार आयोग में 105 पन्ने की याचिका दाखिल की है। जल्दी उसकी सुनवाई होनी चाहिए, हमारी विनंती का स्वीकार होगा। वसई कमिश्नर, थाने कमिश्नर और ठाकरे सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी को इसका जवाब देना पड़ेगा। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।